हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफूड चैनल। क्या आपको पता है शाहरुख खान को कौन सी डिश बहुत पसंद है? तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाहरुख खान की स्पेशल फेवरेट डिश, तंदूरी चिकन। बहुत से लोगों को पसंद होती है, शायद आपको भी ये डिश पसंद होगी। तो शुरू करने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर 2 लेग पीसेस ले लिए हैं, इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। अब इसमें हम कट कर लेंगे। कट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छी तरह से मसाले अंदर तक चले जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, इसीलिए इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए, ये सारे हमने कट कर लिया है, तो सारे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। और ये वाला भी पीस हम कट कर लेंगे। हमने पीसेस को कट कर लिए हैं चिकन के। अब हम लेंगे ये लेमन। लेमन को हम कट करके इसका जूस डाल लेंगे। जो बीजे आ रहे हैं इसको हम अलग से निकाल लेंगे। बीजे नहीं डालिए, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे कर्ड। कर्ड यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम। 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, ये आपको इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, तंदूरी मसाला ड्राई। इसके बाद ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। इसके बाद डालेंगे हम 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून रेड फूड कलर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, चिकन तंदूरी बहुत ही टेस्टी बनेगी, ये बहुत ही बढ़िया रहेगी खाने में। स्पेशली आप जब भी मेहमान आएंगे तब बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार रहेगी ये चिकन तंदूरी। ये देखिए मसाला कितना बढ़िया लग रहा है, इसका टेक्सचर कितनी अच्छी तरह से आया है। हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो ये बहुत ही सिंपल मसाला है बट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी मसाला बनेगा। अब हम इसको, हमने जो चिकन के पीसेस कट करके इस तरह से स्लाइड्स कट करके रखे थे, इसमें लगा लेंगे। हाथ से लगाएंगे बेटर है क्योंकि अच्छी तरह से मसाले अंदर तक चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अंदर तक चले जाएंगे मसाले हमारे। इससे क्या होगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और जब हम फ्राई करेंगे तो मसाला भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो सारे मसाले को इस तरह से अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट कर दीजिए, बढ़िया से इसको एक यूनिफॉर्म पहना देंगे हम। लग रहा है ना बढ़िया? तो इसी तरह से हम, और जो एक और लेग पीस थी उसको भी हम इस तरह से मसाले कोट कर लेंगे। तो सारे मसाले को हम कोट कर लेंगे। इसके बाद जो एक्सेस मसाला हमारा था, इसमें हम इन दोनों चिकन के पीसेस को डालकर 1 to 2 आवर तक मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। आप जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतना बढ़िया आपका चिकन का टेस्ट आएगा। ये चिकन तंदूरी मसाले की स्पेशलिटी ही यही है कि आपको मैरिनेट करने के लिए इसको अच्छी तरह से रखना पड़ता है 1 to 2 आवर्स तक। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 आवर मैक्सिमम रखना पड़ता है। तो अब हम रखेंगे इसको 1 to 2 आवर्स तक।
वन आवर हो चुका है, हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं एक पैन रख रही हूँ, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम डालेंगे 4 to 5 tablespoons, बड़े वाले टेबलस्पून से 4 to 5 tablespoons डालेंगे, या फिर 100 ग्राम ऑयल मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो। देखिए 100 ग्राम ऑयल मैंने यहाँ पर डाल लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक पीस इसमें ऑयल में डाल लेंगे धीरे से। इसके बाद हम इसको ढककर 5 मिनट्स तक इसी तरह पका लेंगे। 5 मिनट्स के बाद हम इसको ओपन करके टर्न कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है एक साइड, एक और साइड भी हम इसी तरह से 5 मिनट्स तक पका लेंगे। तो ये साइड जब हम पकाएंगे तो हम बर्तन को ढकेंगे नहीं, इसी तरह से 5 मिनट्स तक हम पकाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा सा इसको टर्न कर लेंगे, इस तरह से टर्न करके हम पका लेंगे। तो हमने टोटली 10 मिनट्स तक इसको फ्राई कर लिया था। देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में काट लेंगे। इसके बाद जो एक और पीस है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इस पीस को भी हम इसी में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो इस पीस को भी हम इसी में डालकर फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर हम 5 मिनट्स तक इसको ढककर पकाएंगे। 5 मिनट्स के बाद हम इसको ओपन करके टर्न कर लेंगे। ध्यान रखिए कि हमने फ्लेम को लो ही रखा है। अब जब हम टर्न करेंगे तब हम फ्लेम को हाई करेंगे। इसके बाद हम ढककर नहीं पकाएंगे, इसी तरह से फ्राई करेंगे 5 मिनट्स तक। तो 5 मिनट्स तक हमने दूसरी साइड भी इसको फ्राई कर लिया था। अब हम इस तरह से साइड में भी इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से एक और साइड भी फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको बर्तन में काट लेंगे। इसके बाद हमारा फाइनल टचअप होगा। इसके बाद हम एक इस तरह का स्टैंड रख लेंगे स्टोव के ऊपर। इसके बाद हाई फ्लेम करके, थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम कीजिए। हमारे जो लेग पीसेस हैं उनको इस पर रखकर फाइनल हम टचअप देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक रहे हैं। तो दोनों साइड से हम अच्छी तरह से इसको बस एक एक मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो हमने दोनों साइड इसको 1-1 मिनट तक अच्छी तरह से तड़का लगा कर भून लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तंदूर हो चुके हैं। तो गैस स्टोव पर ही हमने इसको तंदूर की तरह बनाकर तंदूर कर लिया था। चिकन तंदूरी हमारी अब रेडी है। इसी तरह से हम जो दूसरी वाली पीस है उसको भी हम रखकर इस पर 1-1 मिनट तक तंदूर कर लेंगे। तो बढ़िया सा तंदूर हो चुके हैं। अब हम इसको अलग से बर्तन में काट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बढ़िया लग रहा है हमारा चिकन तंदूरी, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह से आया है। इस पर हम लेमन डाल लेंगे। अब हम टेस्ट करेंगे फाइनली। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। जिस तरह से तंदूर में पकता है उसी तरह से हमारा चिकन तंदूरी पका है। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स।
देखिए हमारे हर साइड से ये चिकन तंदूरी पक चुकी है, बहुत बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स। एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका टेस्ट किस तरह से आया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या इसमें और ज़रूरी था हमारे वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी। थैंक यू।